क्वेश्चन की बातचीत, और ये पूरे वीक हमने किया है जून 2017 के क्वेश्चन पेपर। तो फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए फॉर द वेरी वेरी थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पेपर, जहां पे हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे एंड मोर ट्रेंड्स एनालिसिस करेंगे कि व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज जो आपको ध्यान में रखने हैं व्हेन एवर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन। एवरीवन ज्वाइन इन क्विकली एंड लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो पहले तो एवरीवन बिफोर वी स्टार्ट द सेशन, आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली रियली ग्रेट। तो कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी, कैसी चल रही है जून 2022 की तैयारी, एंड जनरली हाउ आर यू ऑल डूइंग, एनी प्रॉब्लम्स, एनी इश्यूज? तो तैयारी जोश के साथ शुरू हो गई है फॉर द नेक्स्ट अटेम्प्ट, परफेक्ट। So please keep on studying like that and always remember one golden rule in history, especially the syllabus is very big, so you will forget things. That's absolutely fine. एक चीज हमें करनी कि हमें बस कॉन्स्टेंटली रिविजन करते रहना है। वेन एवर यू गो टू एनी सेकंड टॉपिक, मेक श्योर दैट फर्स्ट टॉपिक का प्रॉपर रिविजन जो है ये बेशक बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं। दिस इज वन थिंग यू ऑल हैव टू रिमेंबर, बिकॉज हम जितना ज्यादा पढ़ेंगे आप एंशियंट मिडिवल मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी पोस्ट इंडिपेंडेंस पढ़ोगे, यू ऑल विल थिंक यार इतना वी आर स्टडिंग विल बी एबल टू रिटेन और नॉट। तो उसका बस एक ही सोल्यूशन है, हमें कॉन्स्टेंटली रिवाइज करना है। जब भी कोई नए टॉपिक पे जाएंगे मेक श्योर पिछले टॉपिक्स को आप रिवाइज करेंगे, डू नॉट कट टाइम इन रिविजन। ओके तो फटाफट से जॉइन इन एवरीवन। सो ये पूरे वीक हमने 2017 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को किया है, दो और हमारे सेशंस हैं आज और कल के, जहां पे हम 2017 के पूरे पूरे क्वेश्चंस को वाइंड अप कर देंगे। तो हमारा सबसे पहला मोटिव ये था कि हम आपके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन शुरू करें, बिकॉज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस आप सबको पता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज गोइंग टू हेल्प यू नो द ट्रेंड्स ऑफ द पेपर, किस तरह के क्वेश्चन हमेशा आ रहे हैं पेपर में, व्हाट आर द मेजर एरियाज, व्हाट आर द मेजर सब टॉपिक्स विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द पेपर। ओके, तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सबसे पहले जब भी आप किसी भी चीज की तैयारी करें, किसी भी एग्जामिनेशन की, बी इट नेट और एनीथिंग, स्पेशली यूजीसी नेट, यू हैव टू मेक श्योर कि आप एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जरूर देख लें, बिकॉज वी हैव सो मेनी टॉपिक्स मेंशन्ड इन द सिलेबस। यू शुड नो कि किस एरिया से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, किस तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं, वॉट आर द ट्रेंडिंग एरियाज इन द पेपर, वॉट आर द पैटर्न, वॉट आर द चेंजिंग पैटर्न। ये सब तब पता लगेगा जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एनालिसिस जो है करेंगे और क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो इसीलिए हमने स्टार्टिंग ही इसी से किया है कि हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके साथ सोल्व कर लिए, सो दैट यू हैव एन आइडिया, एंड जब आप किसी टॉपिक की तैयारी करोगे यू विल स्ट्रेट अवे गेट इन माइंड ओके दीज आर द क्वेश्चंस जो इस टॉपिक से आ रखे हैं, दीज आर द एरियाज व्हिच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो फटाफट से ज्वाइन इन। सो पल्लवी, अल्पना, मौसमी, संति गोपाल, गुड आफ्टरनून, प्रकाश, अब्दुल, वर्षा, अमेरिका, गुड आफ्टरनून, बाबर, गुड आफ्टरनून, प्रियांजलि, yes you can do the same with video. See, you have to revise, because as if you are new and you are studying say a lot of things, suppose prehistoric sites for example, to jab aap prehistoric sites, suppose paleolithic sites padhe, when you go to mesolithic there is a tendency that you will forget those sites if you're studying for the first time. तो चाहे एंशियंट हो, चाहे मेडिवल हो, चाहे मॉडर्न हो, हमें हर चीज को रिवाइज करना है। तो जब आप कोई पहले टॉपिक पढ़ रहे हैं, व्हेन यू मूव टू द सेकंड टॉपिक रिवाइज द फर्स्ट, व्हेन यू मूव टू द थर्ड टॉपिक रिवाइज द फर्स्ट एंड सेकंड, बाय द टाइम यू रीड इट 3-4 टाइम्स ऑटोमेटिकली आपकी वो टॉपिक बहुत ही क्रिस्टल क्लियर होकर आपके दिमाग में रजिस्टर हो जाएगी। तो रिविजन कट नहीं करना, बिकॉज अगर आप टाइम बचाने के लिए रिवाइज करना बंद कर दोगे तो ऑटोमेटिकली हमारा डबल टाइम लग जाएगा एंड इट्स गोइंग टू बी टोटल टोटल वेस्ट। तो स्ट्रैटेजी ऐसी बनानी है जहां पे आप रिविजन को बहुत ज्यादा टाइम दे रहे हैं, रिविजन को बहुत एक्सरसाइज कर रहे हैं, है ना। तो दीपिवान, प्रीति, हेलो, रीति, रेशमा, संचिता, इंद्रजीत, अजमिन, रोजीना, ज्योति, हेलो एंड वेलकम, मौसमी, पद्मिनी, मनोज, मधुस्मिता, संदीप, प्रबोध, अनामिका, मनोज, वेलकम। सो एवरीवन, फर्स्टली वेरी वेरी वार्म वेलकम टू द सेशन। एंड बिफोर हम अपना सेशन शुरू करें, एक इंपॉर्टेंट चीज जो हम हमेशा कहते हैं कि आप में से जो लोग अभी भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप का पार्ट नहीं बने हैं, प्लीज मेक श्योर यू ज्वाइन अ टेलीग्राम ग्रुप। दिस इज द वन ग्रुप वेर वी ऑल आर कनेक्टेड विद ईच अदर, ऑल द हिस्ट्री स्टूडेंट्स आर कनेक्टेड। एंड प्लस यहाँ पे आपको पेपर वन प्लस पेपर टू के बहुत सारे इंपॉर्टेंट सेशन जो भी होते हैं आपको इसके लिंक्स और इनके बारे में इन्फॉर्मेशन मिलते रहते हैं। सो प्लीज मेक श्योर यू डू नॉट फॉरगेट टू ज्वाइन अ टेलीग्राम ग्रुप। एट द सेम टाइम प्लीज मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू बायजूस एग्जाम प्रेप चैनल। सब्सक्रिप्शन क्यों जरूरी है, क्योंकि जो भी पेपर वन पेपर टू के इंपॉर्टेंट सेशन हो रहे हैं जो आगे होंगे, यू विल गेट नोटिफिकेशन ऑफ ऑल दी सेशन। तो जब आपके पास इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है तो व्हाई डू वांट टू मिस ऑन दीज थिंग्स, है ना। तो सब्सक्राइब फटाफट से कर लीजिए कि हर इंपॉर्टेंट चीज के बारे में यू ऑलरेडी हैव द इंफॉर्मेशन अबाउट। और हमारे ऐप सेशंस होते हैं सुबह के 11 बजे और यूट्यूब सेशंस होते हैं दोपहर के 3 बजे। तो फिलहाल ये दो टाइम्स को जरूर याद रख लीजिएगा। ऐप सेशंस में फिलहाल हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कर रहे हैं टॉपिक वाइज, और यूट्यूब सेशंस में हम ऑल ओवर क्वेश्चंस को देख रहे हैं। सो दैट ये पूरे पूरे मंथ ऑफ मार्च में आपने हर तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जरूर देख लिया, ट्रेंड्स एनालिसिस कर लिया। तो एवरीवन चलिए शुरू करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ 2017 की। आपने दो क्लासेस ऑलरेडी कर ली हैं, तो मेजर चंक ऑफ क्वेश्चंस हमने खत्म कर लिया है। इन दो सेशन आज और कल में हम पेपर जो है वो वाइंड अप कर देंगे। तो चलिए लेट्स गो टू द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन, एंड काफी बेसिक से क्वेश्चन है। कुछ ट्रेंड्स एनालिसिस करते हैं, कुछ एरियाज देखते हैं जो यूजुअली पेपर में आ रहे हैं एंड क्या डिफरेंट है 2017 के कुछ एंशियंट क्वेश्चंस में, लेट्स सी। सो मूविंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन एवरीवन, एंड हियर वी गो।
which of the following is true about the Mesolithic period? So I think ये question everybody you all will get it correct because this is one question we have done lot of times and मैंने आपको हमेशा बोला है जब भी आप prehistoric sites करेंगे आपको दो चीज में careful रहना है. First and foremost you have to know little bit आपको conceptual clarity होनी चाहिए, थोड़ा बहुत आपको theory पता होना चाहिए each important आपके period के बारे में. At the same time we have to focus on facts and well. तो आपको examination में दोनों तरीके के questions मिले. अगर आपने 10 years paper देखा है तो हमारे पास सीधे सीधे theoretical questions हैं जो आपको already दिख रहे हैं और हमारे पास सीधे सीधे factual questions हैं जो location wise आपको questions पूछे जाते हैं और they might ask you some unique things which are found in each and every site, है ना. तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं. जब मेसोलिथिक पीरियड की बात करते हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू. माइक्रोलिथ्स मिले हैं यहाँ पे, बागोर, लगनाज, भीमबेटका कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं मेसोलिथिक पीरियड के. यहाँ पे हमें कुछ हड्डियां मिली हैं, कुछ बोन्स मिली हैं वाइल्ड एनिमल्स के एज वेल एज डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स के भी एविडेंसेस मिले हैं एंड इस टाइम पीरियड में जो रॉक पेंटिंग्स हैं वो भी अवेलेबल है. सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट जब हम मेसोलिथिक पीरियड की बात करते हैं. एवरीवन वेरी सिंपल वेरी बेसिक क्वेश्चन, सो हियर वी गो. So we have Ayush who is absolutely correct. Okay, so Santi Gopal, very good. So I think this is one of the most important, most easiest question. Technically, kafi basics are question hai. So Pradhan correct. Riti is also correct. Perfect. So dekhi jo questions hai, it's very simple, very basic, and aap sabko pata hai. Most of you have answered this absolutely right. Yes, Priyanshi, you are also correct. So I think everybody here is correct. Kafi basics are question hai. So you all know microliths just small tools and this is again very very important mesolithic period ki khasiyat hai and bagor lagnaj bhimbetka they are very very important sites and bagor se hame kya mila everybody what have we specially found from bagor aur jab hum domestication ki baat karte hain to again yahi bagor and lagnaj se hame domestication ki evidences bhi milte hain which is again very very important for your examination you have to know little bit kuch key areas har important sites mein kya khasiyat hai kya specialties hai to jab hum domestication ki baat karte hain to you always know that jo bagor site hai प्लस जो आदमगढ़ साइट है यहां से हमें डोमेस्टिकेशन की स्पेशली एविडेंसेस मिले. जब हम मेसोलिथिक की बात करते हैं तो दूसरा क्वेश्चन आपको बनता है बरियल्स का, ह्यूमन बरियल्स का. तो जब हम ह्यूमन बरियल्स की बात करते हैं तो अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एवरीबडी आपको ह्यूमन बरियल्स कहां से देखने को मिलते हैं. अगेन सेम अगर आप ह्यूमन बरियल्स भी देखोगे तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बागोर से, देन लगनाथ से हमें ह्यूमन बरियल्स के एविडेंसेस मिले, सराय नहर राय से ह्यूमन बरियल्स के एविडेंसेस मिले. दीज आर द थिंग्स जो आप देखोगे मेसोलिथिक पीरियड में मोस्टली पूछा जाता है. एंड लगनाथ में स्पेशली अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमें तीन चार स्पेशली मोजरली चीजें मिली है. एक तो हमें माइक्रोलिथ्स मिले हैं जो स्मॉल टोल टूल्स हैं, उसके अलावा यहां से हमें बरियल एविडेंसेस भी मिले और हमें एनिमल के बोन्स एविडेंसेस भी मिले हैं. तो थोड़ा बहुत आपको स्पेशली जब हम मेसोलिथिक करते हैं यू हैव टू बी लिटिल केयरफुल कि हमें बीट्स कहां से मिले, कहां से बरियल्स के एविडेंसेस मिले हैं, कहां से माइक्रोलिथ्स के एविडेंसेस मिले हैं, ठीक है. और बागोर में स्पेशली एक और चीज आपको याद रखनी, याद है हमने इसको आप सेशन में भी किया था, यहाँ पे हमें कुछ ऐसे फ्लोर मिले जहां पे हमें कुछ बोन्स ऐसे स्ट्रक्चर्स मिले जिसको वी एन मिश्रा ने आइडेंटिफाई किया था कि बुचरिंग प्लेस है. सो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट यूनिक स्पेशलिटीज अबाउट ईच साइट जो आपको जनरली पता होना चाहिए फॉर एग्जामिनेशन. या तो फैक्ट आएगा या तो थ्योरी आएगा, दोनों ही आपको नेल करने हैं. Moving to the next question, everybody. Question number two. कि इनमें से कौन सी ऐसी Neolithic archaeological site है which is not known for ash mounds? Again, very simple, very basic questions. We have done this a lot of times. तो इनमें से कौन सी ऐसी Neolithic archaeological site है जो basically ash mounds के लिए जानी नहीं जाती है? So we have Utnur, again very important. We have Palbai, we have basically Kupgal, या we have Bursahun. काफी basic सा question है. Automatically मैंने आपको बताया, you all should know कि basically जो ash mounds है ये किस हमें कहाँ मिलता है, नॉर्थ में मिलता है, साउथ में मिलता है, वेस्ट में मिलता है, ईस्ट में मिलता है. जस्ट बाय नोइंग लोकेशन यू कैन सिंपली जस्ट एलिमिनेट द ऑप्शन हियर इवन इफ यू डोंट नो. वैसे दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस आस्क्ड इन नेट एंड सेट एग्जामिनेशन और ये तो हमारी एकदम फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए. सो एवरीवन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हियर इज करेक्ट. ओके सो दीप्यमान, इंद्रजीत, पद्मिनी, मनोज, सचिन इज करेक्ट, आयुष, अल्पना, प्रीति, रोजीना, संदीप, प्रधान, यस दीप्यमान, बाबर, लाजवंती, मधुस्मिता, रेशमा, ओके सो अलका करेक्ट, रिति, आई थिंक एवरीबॉडी इज करेक्ट, यस मौर्या, यू आर आल्सो करेक्ट, परफेक्ट. तो एब्सोल्युटली तो करेक्ट आंसर आप सबको पता है कहां पे नहीं है, बुर्जाहोमिया. बुर्जाहोमिया में ऐसा क्या मिला है, बुर्जाहोमिया व्हाट हैव वी गॉट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पेशलिटी इस साइड की जो हमें स्पेशली यहाँ पे मिली है. एक तो यू ऑल शुड नो कि भाई ये मोस्टली हमें साउथ में मिलते हैं. तो बुर्जाहोम इट्स वेयर we all know that, yes. What is that one speciality of this site जिसकी this site बहुत बहुत famous है? Yes, Priyanjali Barsha, you are absolutely correct. Reshma, बिल्कुल बिल्कुल सही है.
ओके, सो यू हैव टू नो वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि पहले जब हम स्पेशली ऐश माउंट्स की बात करते हैं तो ये हमें मिलते हैं मोस्टली इन द पार्ट्स ऑफ कर्नाटका एंड प्लीज रिमेम्बर योर आंध्र प्रदेश डिस्ट्रिक्ट. तो ये सारे गुलबर्गा हो गए, रायचूर हो गए, बेलरी हो गए, चित्रदुर्गा हो गए, कुर्नूल, ये सारे इंपॉर्टेंट एरिया सदर्न एरियाज मोस्टली. तो बुरजाम यू ऑल नो इट्स बेसिकली योर नॉर्दर्न एरियाज एंड एब्सोल्युटली इट्स बेसिकली रॉन्ग. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो बुर्जाओं में मिलती है, यहाँ पे हमें बरियल्स मिलते हैं जहाँ पे आपको डॉग्स के एविडेंस मिलते हैं, डोमेस्टिकेशन के एविडेंसेस मिलते हैं, मास्टर्स के साथ डॉग्स बरी हैं. सो दिस इज व्हाई दिस प्लेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और प्लस लोकेशन वाइज आपने बहुत इजिली वो नॉर्दर्न साइड है, ये सारे सदर्न साइड से स्ट्रेट अवे एलिमिनेशन हो जाएगा. तो दो क्वेश्चन तो बहुत ईजी है. चलिए क्वेश्चन नंबर थ्री, जो और भी ज्यादा इजी क्वेश्चन है एंशियंट इंडिया का, विच इज कमिंग इन 2017, की इनमें से कौन सी ऐसी इंस्क्रिप्शन है, कहाँ पे किस हरप्पन साइट में हमें ऐसे शॉर्ट इंस्क्रिप्शन मिली है हरप्पन स्क्रिप्ट में लिखी हुई विद बिग अल्फाबेट्स. सो ये हमें मिला है बनावली में, ये हमें मिला है ढोलावीरा में, ये हमें मिला है कालीबंगान में, या ये हमें मिला है मोहनजोदारो में. इनमें से कौन सी ऐसी आपकी हरप्पन साइट है एवरीबॉडी वेयर देयर इज अ शॉर्ट इंस्क्रिप्शन जहाँ पे हरप्पन स्क्रिप्ट लिखे हैं विद ह्यूज ह्यूज अल्फाबेट्स. अगेन वेरी सिंपल. तो टेक्निकली तीन क्वेश्चन काफी ज्यादा सिंपल हैं. सो लेट्स सी, वी हैव ओके संचिता करेक्ट, दीप्यमान करेक्ट, जिमिन मनोज ओके, अमिर खा खतून यस, संति गोपाल यस, अलका वेरी वेरी गुड यस, रीति पद्मिनी मौसमी सचिन इंद्रजीत अल्पना यस, प्रियांजलि बिल्कुल सही है, रोजीना संदीप वर्षा प्रीति आयुष अब्दुल मधुस्मिता ज्योति संचिता, आई थिंक एवरीबडी इज करेक्ट, मधु प्रीति यस मौर्य, वेरी इजी सा क्वेश्चन है, बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो करेक्ट आंसर हमारा सबको ही पता है ढोलावीरा है. एंड और क्या इंपॉर्टेंट चीजें मिली है ढोलावीरा में अपार्ट फ्रॉम दिस इंस्क्रिप्शन जहाँ पे हमें हरप्पन स्क्रिप्ट विद ह्यूज अल्फाबेट्स मिली है. अपार्ट फ्रॉम दिस ऑलवेज रिमेंबर ढोलावीरा में वी हैव एविडेंसेस ऑफ पॉलिश्ड पिलर्स, ढोलावीरा में हमें वाटर रिजर्वोयर के स्ट्रक्चर्स भी मिले हैं. ये सब कुछ एक्स्ट्रा चीजें आपको याद रखनी चाहिए. देखो रिसेंटली अगर आप पेपर का ट्रेंड देखोगे फॉर द पास्ट 4-5 ईयर्स, यूजुअली आपको ऐसे वन लाइनर क्वेश्चन, टेक्निकली फैक्चुअल क्वेश्चन आ रहे हैं साइट्स पे. तो जब आप पढ़ेंगे तो थोड़े साइट्स को बहुत अच्छे से कर लीजिएगा. एंड रिमेंबर ढोलावीरा में वी ऑल्सो गॉट अ स्टेडियम एट द सेम टाइम. आपको पता है यहाँ पे हमें तीन चीज मिली, हमें कासल मिला है, वी हैव दिस बेली एरिया, वी हैव द मिडिल टाउन एरिया, ये सब सब हमें स्पेशली ढोलावीरा में ही मिला है. तो थोड़ा हर साइट्स के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्चुअल चीजें, कहाँ वर्कमैन क्वार्टर मिला है, कहाँ हमें प्रॉपर वरांडाज मिले, कहाँ कोर्टयार्ड मिला है, कहाँ स्टेडियम मिला है, कहाँ कॉफिन बर्गल्स मिला है, ये सब थोड़ा हमारे फिंगर टिप्स होने चाहिए क्योंकि लेटली पेपर में ये क्वेश्चन आ रहे हैं, काफी सिंपल है जो आप क्रैक कर सकते हो. तो मूविंग टू एवरीवन, क्वेश्चन नंबर फोर, अगेन वेरी सिंपल बेसिक क्वेश्चन, आपके महाजनपद है और उनके कैपिटल है, ठीक है. सो वी हैव बेसिकली पंचाल, वी हैव मत्स्य, वी हैव कौशल एंड वी हैव मगध. एंड कौन से कैपिटल है, तो पंचाल का कैपिटल मथुरा, देन मत्स्य का कैपिटल बैराज, देन वी हैव श्रावस्ती एंड देन वी हैव गिरिराज. तो इनमें से कौन सी ऐसी एक पेयर है जो कि गलत मैच्ड है, व्हाट इज दैट वन पेयर व्हिच इज रॉन्गली मैच्ड. अगेन वेरी सिंपल बेसिक सा क्वेश्चन है महाजनपद में. अगेन जो दूसरा ट्रेंड है इस टॉपिक में, आप देखो कि एक क्वेश्चन हमेशा हमें पेपर में आ जाता है एंड इट्स वेरी इजी क्वेश्चंस निकालना यहाँ से, बहुत इजी. या तो कैपिटल पे आएगा और यू विल गेट अ क्वेश्चन ऑन ज्योग्राफिकल लोकेशन कि ये कहाँ पे लोकेटेड है, और अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यू विल गेट मे बी सम स्पेसिफिक फैक्ट्स अबाउट ईच महाजनपद कि कोई महाजनपद क्यों फेमस है, तो कहाँ पे कॉटन टेक्सटाइल मार्केट है, कहाँ पे आपके हॉर्स मार्केट है, विच इज फेमस फॉर वॉट, यू हैव टू नो लिटिल बिट दैट. ऑल्सो जब ज्योग्राफिकल लोकेशन पढ़ेंगे तो देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको फोकस करनी है कि कौन से महाजनपद को कौन सी नदी सेपरेट करती है, व्हाट आर द लोकेशंस, ये सब थोड़ा बहुत आपको फोकस करना है व्हेनेवर यू आर डूइंग दिस टॉपिक, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका आ जाएगा एंड काफी इजिली वो क्वेश्चन निकल जाएगा पेपर में. ओके ओके श्वेता, सो दैट इज रियली स्वीट दैट यू नॉट फ्रॉम हिस्ट्री बट स्टिल यू ज्वाइन आर हिस्ट्री क्लासेस, तो वेरी गुड, ऐसी हिस्ट्री में इंटरेस्ट बरकरार रखिए एंड कॉल ऑल योर फ्रेंड्स ऑल्सो. हिस्ट्री इज टेक्निकली, अगर आप इसको कोर्स के हिसाब से भी छोड़ो तो इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, वी हैव एक्चुअली गॉन थ्रू दीज फेजेस, सो इट्स एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग टू नो कि भाई यू नो व्हाट वाज योर पास्ट. सो मूविंग फॉरवर्ड, यस एवरीबॉडी एब्सोल्युटली करेक्ट है, करेक्ट आंसर हमारा ए है पंचाल. अब देखो ये सब कैपिटल्स बहुत ही सिंपली तरीके से आपको पता होना चाहिए. एक क्वेश्चन यहाँ से हर साल आता है और या तो कभी कुछ असर्शन रीजनिंग ही आ गया, आपको 6th सेंचुरी पीरियड में जनरली आपको आ जाएगा कि यू नो आयरन एज रिलेटेड टेक्निकली क्वेश्चंस, जब आयरन डिस्कवरी हुई थी तो व्हाट आर द इंपॉर्टेंट चेंजेस जो हुए थे. ऑल्सो 6th सेंचुरी में थोड़ा इनका सोशल पार्ट हो गया, थोड़ा इकोनॉमिकल पार्ट हो गया, जो ट्रेड रूट्स बने थे, सोसाइटी में किस तरह के चेंजेस आने लगे बिकॉज ऑफ आयरन, ये सब थोड़ा सा अपने में रखिएगा, पढ़ लीजिएगा, काफी इजी भी है. यू डोंट हैव टू लर्न वर्ड टू वर्ड, जस्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड विल बी एबल टू आंसर इट. तो करेक्ट आंसर ए है हमारा, एवरीबडी इज एब्सोल्युटली राइट, पंचाल का कैपिटल वॉज बेसिकली अचित्रा एंड बेसिकली कंपिला. सो मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 5 एवरीबडी, अब आज ही स्कूल्स ऑफ फिलोसफी पे. तो आई थिंक पहला 5 क्वेश्चन ऐसा है एंशियंट इंडिया का विच इज वेरी सिंपल टू हैंडल.
तो पहला हमारा सिस्टम्स ऑफ फिलोसफी हो गया, स्कूल्स ऑफ फिलोसफी हो गए, एक हमारे एडवोकेट्स हो गया. तो बेसिकली योग, कपिला, देन वी हैव मीमांसा, पतंजलि, देन वी हैव संख्या, देन वी हैव कुमारिला एंड देन वी हैव वैशेषिका विच इज कन्नड. तो इनमें से कौन से आपके स्कूल्स ऑफ फिलोसफी हैं एंड कौन है जो इससे एसोसिएटेड है? सो मूविंग फॉरवर्ड, सो वी हैव योग, वी हैव मीमांसा, वी हैव सांख्य, वी हैव वैशेषिका, देन वी हैव कपिल, पतंजलि, कुमारिल एंड करा. सो विच ऑफ द फॉलोइंग हियर इज करेक्ट? इसको आपको मैच करनी है. वेरी इजी, वेरी बेसिक सा क्वेश्चन. तो पहले पांच क्वेश्चन आई थिंक यू ऑल विल बी एबल टू डू इट वेरी वेरी वेल बिकॉज आई थिंक एवरीबडी नोज दिस. चलिए, सो आई थिंक ऑल ऑफ यू आर करेक्ट हियर, मोस्टली एवरीबडी इज करेक्ट. तो करेक्ट आंसर हमारा बी है, आई थिंक आयुष, दीप्यमान, अनामिका, रोजिना, सचिन, मोनाली, मधुस्मिता, संती गोपाल, अब्दुल, इंद्रजीत, मनोज, अमिर खा, पद्मिनी इज ऑल्सो करेक्ट, वर्षा इज ऑल्सो करेक्ट, जिमिन इज करेक्ट. चलो ठीक है, तो सारे लोग ही कही है. यस, संदीप एंड निधिता भारती करेक्ट, प्रियांजलि कृष्णा करेक्ट है. सो वेरी बेसिक क्वेश्चन. सो फर्स्ट फाइव क्वेश्चन वी हैव डन ऑफ एंशिएंट इंडिया 2017 के, काफी इजी है, हम सबसे मैनेज हो सकते हैं. मूविंग फॉरवर्ड, तो प्लीज रिमेंबर, संख्या इज बेसिकली कपिला, योग, पतंजलि, और इनकी मेजर चीजें वन टू लाइन में ना, इनकी फिलोसफीज यूजुअली आपको पता होनी चाहिए. देन वी हैव गौतम ऋषि, वैशेषिका कर्णन, मीमांसा इज कुमारिला एंड बेसिकली वेदांता इज बत्रया. सो मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर सिक्स. आप एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म्स एंड डिपार्टमेंट्स पे एक क्वेश्चन है हमारी, कि इनमें से कौन सी डिपार्टमेंट है विच वॉज बेसिकली, जिससे बेसिकली आपके जो कंटक शोधन है ये किस डिपार्टमेंट से कनेक्टेड है? ये टैक्सेशन से कनेक्टेड है, ये इंडस्ट्री उद्योग से कनेक्टेड है, ये टोल से कनेक्टेड है, या ये जुडिशियरी बेसिकली न्यायपालिका से कनेक्टेड है? तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग विभाग, इनमें से कौन से विभाग के साथ जो कंटक शोधन है ये संबंधित है? ये टैक्सेशन का विभाग है, ये इंडस्ट्री का विभाग है, ये टोल्स का विभाग है, या बेसिकली जुडिशियरी का विभाग है? Yes, we had done this last year also, but we'll do it again in one of our sessions. Don't worry. So all those people who have missed the session, we will do it once again. But एक बार हमने बहुत पहले इस पे session किया था. Yes. Okay, so Dipiman is correct, Alpana is correct, Madhusmita, Pradhan, Sachin, Sanchita, Khatun, Preeti is correct, Reshma is correct, Monali, Aarti, Riti, Nidhita is correct. Okay, so I think Jyoti, Prerna is correct, Monali is correct. And I think everybody is absolutely correct. Correct answer हमारा D है. And I think पहला six questions everybody is on fire. Very very easy questions. Everybody is able to solve it very good. देखिए यही होता है previous years. If you solve more and more questions, आपका confidence level बहुत ज़्यादा rise हो जाएगा. You will be able to tackle many questions, know the trends of questions. So absolutely correct. हमारे कंटक शोधन courts हैं. Very very important. And this is one of the most important feature हमारे judicial system of ancient India के. The special courts of criminal jurisdiction, जिसको हम कहते हैं कंटक शोधन court. Very very important. And कौतल्य refer करते हैं कि भाई ऐसे दो type के courts थे. एक का नाम था very very important हमारा धर्मस्थिया, जो सिविल मैटर से डील करते थे. एक कंटक शोधन जो हमारे क्रिमिनल केसेस, जो क्रिमिनल मैटर्स हो गए, क्रिमिनल जुरिस्ट्रिक्शन हो गए, उनसे डील करते थे. मूविंग टू क्वेश्चन नंबर सेवन, वेरी इजी क्वेश्चन. टैक्स टर्म है और किसका क्या मतलब है? तो विष्टि का मतलब हो गया फोर्स लेबर, बेसिकली जो हमारे भाग हो गए, इसका मतलब हो गया स्थानीय कर, लोकल टैक्स. बेसिकली जो कर हो गए, इसका मतलब हो गया टैक्स. एंड प्रणय हो गए इमरजेंसी टैक्स. तो इनमें से कौन सी एक टर्म है टैक्स टर्म है और उनकी मतलब है विच इज रॉन्गली मैच्ड? Again, this question is very easy. So I think first seven questions are very easy as per your preparation. You all can clear these first seven questions till now. This is one of the most basic question, everybody. And I think इसमें तो confusion होना भी नहीं चाहिए. Everybody, what is this? Okay, absolutely. So I think Pritam, Preeti, Rosina, Maurya, Abdur, Zimin, Sanchita, Indrajit, Nidita, Khatun, Pradhan, Reshma, Dipiman, everybody is correct. Prerna, Ayush, Kumira, yes. Amirkha, Krishna, Pratibha, absolutely correct. ओके मनाली, यस सचिन, सचिन, ओके. एनीवेज दिस शुड हेल्प यू, एटलीस्ट अगर आपको रटे भी है तो मे बी यू नो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन कम, इट कैन बी रिपीटेड. प्लस हमें देखो बेसिकली ट्रेंड्स एनालिसिस करना है कि जब आप प्रिपरेशन करें, आप एकदम ब्लाइंड प्रिपरेशन नहीं करें. यू एक्जैक्टली नो द काइंड ऑफ क्वेश्चंस व्हिच हैज कम फ्रॉम ईच टॉपिक. एब्सोल्युटली करेक्ट बी, इसमें तो किसी को भी गलत नहीं करना चाहिए. यस, लैंड टैक्स, परफेक्ट. मूविंग टू क्वेश्चन नंबर एट, ये क्वेश्चन भी हमने कितनी बार किया है एवरीबडी. इनमें से कौन सी ऐसी पार्ट ऑफ आर्किटेक्चर है जो बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर के साथ एसोसिएटेड नहीं है? सो बेसिकली वी हैव अर्न, वी हैव मेधी, वी हैव चत्र एंड वी हैव अंतराल. ये तो किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए. वी हैव डन दिस अ लॉट ऑफ टाइम. तो आप यहाँ पे जो स्तूपा स्ट्रक्चर है उनको याद करिए और उनके पार्ट याद करिए. एक ऐसी पार्ट है जो टेम्पल की है जो ऑटोमेटिकली आप स्ट्रेट अप यहाँ से एलिमिनेट कर सकते हैं. सो फर्स्ट एट क्वेश्चन वी हैव क्लियर, इट वेरी इजी फॉर ऑल ऑफ अस. चलिए,
ओके सो अब्दुल वेरी गुड, इट्स इजी, प्रियांजलि वेरी गुड, मधुस्मिता, अमिरखा, नामिका, मनोज, अलका, जिमिन, मौसमी, वर्षा, श्वेता, आयुष, प्रेरणा, खतून, यस, अकाउंट डिलीटेड, ओके दैट नेम, ओके आरती करेक्ट, ओके मोनाली करेक्ट, अल्पना, रेशमा, प्रीतम, प्रीति, मधुस्मिता, दीपिमान, संचिता, आई थिंक एवरीबडी इज करेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल प्रियांजलि, हमने किया था उसी दिन किया था, एंड करेक्ट आंसर हियर इज डी, एंड बेसिकली रिमेम्बर अंतराल, ये सारे आपके स्तूपा के स्ट्रक्चर्स एक्सेप्ट अंतराल, अंतराल क्या हमने देखा था, जो भी आपके विमान हो गए एंड बेसिकली मंडप हो गए उनको कनेक्ट करती हुई चीज, टेक्निकली जो फॉयल टाइप ऑफ एरिया हो गया, मोस्टली यू विल सी दिस इन चालुक्यन टेम्पल्स, तो ये हमारे टेम्पल स्ट्रक्चर है, नॉट अ पार्ट ऑफ बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से कौन से स्टेटमेंट ट्रू है जब हम कुषाण पीरियड की बात करते हैं, सिल्वर कॉइन्स इश्यू होने लगे बहुत ही बड़े पैमाने में लार्ज स्केल में, गंधार आर्ट जो है इसका फ्लरिशिंग बेसिकली आप देखोगे फलना फूलना शुरू हो गया, इट स्टार्टेड फ्लरिशिंग, अमर सिन्हा का पेट्रोनेज उनका संरक्षण, या एक्सटेंशन ऑफ द एम्पायर अप टू बंगाल, तो इनमें से कौन सी एक स्टेटमेंट है जो ट्रू है जब भी हम कुषाण पीरियड की बात करते हैं। अब देखिए इसमें दो चीजें, जब भी हम स्पेशली कुषाण की बात करते हैं देयर आर टू टाइप ऑफ क्वेश्चंस व्हिच ऑलवेज कम इन द पेपर, आप देखोगे कुषाण सतवाहनास ये ऐसे टॉपिक्स है जहां पे इनके कॉइन्स पे आपको हमेशा मोस्टली आप देखोगे क्वेश्चंस आते हैं, समटाइम्स द क्वेश्चन कम ऑन द टाइटल्स व्हिच द रूलर्स हैव टेकन, समटाइम्स द क्वेश्चन कम्स ऑन देयर एरियाज, ओके एंड वेरी इंपॉर्टेंट समटाइम्स द क्वेश्चन कम्स ऑन रूलर्स, कभी कभी आपको ऐसे रूलर्स करोगे तो अगर उन्होंने कोई बुक लिखी है प्लीज रिमेंबर द नेम, अगर उनके पास उनके कोई कोर्ट पोएट है अगर उन्होंने कोई बुक लिखी है प्लीज रिमेंबर द नेम, तो आप ये सब चीजों को बहुत इजीली एलिमिनेट कर सकते हो। एवरीबडी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हियर इज करेक्ट, में से ये क्वेश्चन इजी है, अगर आपको गंधार मथुरा अमरावती स्कूल पता है सो यू विल बी एबल टू डू दिस वेरी वेरी वेल, एंड करेक्ट आंसर हमारा बी है फ्लरिशिंग ऑफ गंधार आर्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट, एंड एवरीबडी कौन कौन से व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पेशलिटी ऑफ गंधार स्कूल ऑफ आर्ट, क्या हम मटेरियल यूज करते थे मोस्टली इसमें, व्हाट आर द मटेरियल्स यू यूज स्पेशली जब हम गंधार स्कूल ऑफ आर्ट की बात करते हैं, और मूर्तियां की बात करते हैं जो उन्होंने बताया है, तो आप मथुरा में देखते हो वी हैव रेड सैंडस्टोन यूज मोस्टली होता है, तो गंधार स्कूल ऑफ आर्ट में व्हाट इज द मटेरियल व्हिच दे यूज, अमरावती में वी सी मार्बल, व्हाट इज द मटेरियल व्हिच वी यूज इन गंधार स्कूल ऑफ आर्ट, यस एब्सोल्युटली करेक्ट, परफेक्ट, सो वी हैव दिस ब्लूइश ग्रे सैंडस्टोन, ठीक है, मोस्टली आपको बुद्धा कैसे दिखेंगे जब भी गंधार स्कूल ऑफ आर्ट में आप मूर्तियां देखोगे बुद्धा की, हाउ आर बेसिकली बुद्धा, आप देखोगे बहुत सारे हमारे ग्रीक इन्फ्लुएंसेस हैं इस टाइम पीरियड में, यू विल सी बुद्धा के कर्ली हेयर हो गए, एक्सटेंडेड फोरहेड हो गए, जो उनका ड्रेप हो गया, इसमें हमको ग्रीक कनेक्शन भी दिखता है, एट द सेम टाइम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपको याद रखने हैं कि इनके मेजर सेंटर्स क्या थे, क्योंकि आपको जनरली इधर से भी क्वेश्चन आते हैं, वॉट आर द मेजर सेंटर्स ऑफ दीज आर्ट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, यस एंड कुछ बहुत ही, और मोस्टली बुद्धा कैसे रहते हैं, तो मोस्टली विल सी बुद्धा इज इन अ मेडिटेटिव स्टेट, जहां पे आप देखोगे उनकी आईज जो है वो हाफ क्लोज्ड है, एंड यहाँ पे आप बुद्धा जो देखोगे इट्स नॉट दैट एक्सप्रेशन है, जैसे आप मथुरा स्कूल में देखोगे बुद्धा इज मोस्टली स्माइलिंग, यहाँ पे बुद्धा इज इन अ हाफ मेडिटेटिव स्टेट, ऐसा कोई एक्सप्रेशन नहीं है, तो हल्का फुल्का ये मेजर गंधार मथुरा अमरावती स्कूल के बारे में थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 10, जब हम हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन के बारे में बात करते हैं ऑफ खराबील, एवरीबडी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स हियर आर करेक्ट, स्पेशली इसमें ये लिखा हुआ है कि भाई कलिंगा के रूलर थे, ठीक है, इसमें डिस्क्राइब किया गया है दैट ही वॉज बेसिकली महाभीकवना, इन्होंने जैन स्कॉलर्स की काउंसिल बुलाई थी, और इन्होंने एक केनाल है जिसको एनलार्ज किया था जो ओरिजिनली एक्सकवेट हुआ था आपके नंदा किंग के द्वारा, सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नोन हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन से जो कि खराबील की है, ओके एवरीबॉडी आई थिंक वी डिड नॉट, ओके ओके सो वो बेसिकली कलिंगा के शासक थे, उन्होंने स्वयं खुद को बेसिकली महाविभवन कहा है, उन्होंने टेक्निकली आचार्यों का सम्मेलन जो है जैन आचार्यों का सम्मेलन उसका आयोजन किया है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मूल रूप से बेसिकली जो नंद द्वारा राजा द्वारा जो खुदाई गई नहर थी उन्होंने उसको आगे बढ़ाया था, उसका मेजर एक्सपेंशन जो है वो किया था, सो विच आर द फॉलोइंग हियर इज एब्सोल्युटली करेक्ट एवरीबॉडी, एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ यू आर राइट, करेक्ट आंसर हमारा डी है विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट, 1, 2 एंड 4, तो ऑटोमेटिकली अगर आपको पता है कि जो देखो इस पे 2021 में भी क्वेश्चन आया था जो जैन काउंसिल्स है इस पे यू विल सी देयर वाज क्वेश्चन इन 2021 एज वेल, तो जनरली भी जो भी हमारे बुद्धिस्ट काउंसिल्स हो गए जो भी हमारे जैन काउंसिल्स हो गए इसको बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, स्पेशली बुद्धिस्ट काउंसिल, एक तो वेयर व्हाट इज द एरिया कहाँ पे ये हुआ था किस टेक्निकली उस समय बेसिकली किसके प्रेसिडेंटशिप में हुआ था एंड कंक्लूजन कि उस काउंसिल में एग्जैक्टली हुआ क्या था, तो ये तीन चार चीजें ना आपको अपने फिंगर टिप्स पे रखनी, 2021 में भी क्वेश्चन आया है, यहाँ से क्वेश्चन मोस्टली आपके जो है वो रिपीट होते हैं, तो 10 क्वेश्चन डाउट, लेट्स मूव फॉरवर्ड, सो वी हैव 25 सेट ऑफ क्वेश्चंस, फटाफट करते हैं,
तो इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स हैं, जब हम पेरिप्लस की बात करते हैं, पेरिप्लस ऑफ एथारेंसी की बात करते हैं, कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि इसमें लिखे गए हैं, विच आर एब्सोल्युटली करेक्ट। जिसमें ये बोला गया है कि भाई जो कोलची है, कमार है एंड पोडोका है, ये कुछ इंपॉर्टेंट साउथ इंडियन पोर्ट्स हैं। इसमें लिखा है कि भाई जो आइवरी है, इट वॉज प्रोड्यूस इन तोसावे, एंड बहुत सारे बड़े बड़े शिप्स जिसको हम कोलांडिया कहते हैं, ये सेल हुए थे थ्रू गंगा एंड क्रिस, एंड बेसिकली मसालिया जो है, इट इज बेसिकली लिंक साउथ ऑफ मुजरिस। तो इनमें से कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स है जो स्पेशली पेरिप्लस में है, विच अगेन ब्रिंग्स अस टू दिस क्वेश्चन एवरीबडी की, देखिए जब भी आप एंशियंट इंडिया पढ़ते हैं, आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू प्लीज रीड उपेंद्र सिंह, एटलीस्ट उसके बॉक्सेस जरूर कर लीजिएगा, बिकॉज इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स जहां से डायरेक्टली क्वेश्चंस नेट में आते हैं। तो यू विल सी वेन एवर देर इज एनी एविडेंस की भाई पेरिप्लस में ये लिखा है, डू इट वेरी वेल, बिकॉज ये क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम पेपर में हमारा रेकर करता है। तो जैसे आप जनरली भी देखोगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की, मान लीजिए किसी रूलर का नाम आप देखोगे पेरिप्लस में मेंशनड है, कुछ इंपॉर्टेंट मार्केट टाउन्स के नाम पेरिप्लस में मेंशन है, कुछ इंपॉर्टेंट रूट्स के नाम पेरिप्लस में मेंशन है, व्हाट आर द मेजर एक्सपोर्ट आइटम्स, व्हाट आर द मेजर इंपोर्ट आइटम्स, डू इट रियली वेल, क्योंकि पेरिप्लस पे हमेशा आप देखोगे क्वेश्चंस आता है, ऐसे नहीं तो वैसे, डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट, इट विल ऑलवेज कम। एंड उपेंद्र सिंह के अगर आप बॉक्सेस पढ़ोगे तो मोस्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग पेरिप्लस, आपको मोस्ट ऑफ द बॉक्सेस में ना कुछ यूनिक फैक्ट्स इनसे रिलेटेड जरूर आ जाएंगे। तो जब आप तैयारी कर रहे हो तो मेक श्योर कि यू गो थ्रू दिस बॉक्सेस, एंड स्पेशली जो पेरिप्लस ऑफ एथेरेंसी के लिए लिखी है उनको थोड़ा बहुत अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, ठीक है? सो एब्सोल्युटली, सो करेक्ट आंसर हियर इज ए 1, 2, and 3। आई थिंक एवरीबॉडी इज आंसरिंग ऑल द क्वेश्चंस करेक्टली, तो बहुत ही अच्छी बात है। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 12, एंड इस क्वेश्चंस में एवरीबॉडी यू प्लीज ट्राई एलिमिनेशन, ठीक है? वैसे तो देखिए बेसिक बुक्स एंड ऑथर्स आप सबको पता होना चाहिए, बट आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू देयर माइट बी सम वन और टू ऑप्शंस जो शायद आपको नहीं पता होगा, सिंस ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो आप इनको एक बार एलिमिनेशन जरूर करिएगा, वन आर टू कोड्स टेस्ट टू सी कि अगर आपको एक दो भी पता है, कैन यू कम टू द राइट आंसर, बिकॉज प्रीवियस ईयर कोड्स में बहुत आसानी से एलिमिनेशन कर सकते हो अगर आपको चार में मान लीजिए सिर्फ दो ही पता है। तो ये हमारे ऑथर है और ये इनके बुक्स हैं, सो बेसिकली वी हैव डंडिन, वी हैव भाषा, वी हैव हेमद्री एंड वी हैव भव्यभूति, सो वी हैव प्रतिमा नाटक, वी हैव चतुर्वर्ग चिंतामणि, देन वी हैव दास कुमार चरिता, एंड देन वी हैव उत्तराम चरिता। तो इनमें से कौन से आपके बुक्स हैं, कौन से ऑथर्स हैं, Try to eliminate even if you know one answer. ठीक है? So we have basically Dandit, we have Bhas, we have Hemadri, and basically we have Bhavyabhuti. So we have Pratima Natak, Chaturbarg, Chintamani, then we have Dashkumar Charitra, and then we have Uttrama Charitra. Then means कौन से आपके important लेखक हैं and कौन से आपके important books हैं? Please try eliminations. बिकॉज चलो डायरेक्ट क्वेश्चंस आप निकालो कि हमें ये कैसे तैयारी करनी है कि भाई जब आप जीआरएफ में, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मान लो चार में आपको सिर्फ दो ही आते हैं, स्टिल यू शुड नो हाउ कैन यू कम टू द राइट आंसर्स। ओके, सो मोस्ट ऑफ यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, करेक्ट आंसर हमारा सी है, बिल्कुल बिल्कुल सही है। एंड आई थिंक वी हैव अमिरखा, रोजिना, प्रियंका, रेशमा, दिव्यमान, ओके, देन वी हैव निदिता, सचिन इज करेक्ट, रेशमा इज करेक्ट, संचिता, अल्पना, संति गोपाल, सारे लोग ही सही है, मौसमी, मनोज, इंद्रजीत, अब्दुल, कृष्णा, रिति, परफेक्ट। सो करेक्ट आंसर हमारा सी है। जनरली याद रखिएगा प्रतिमा रत्न ऑफ भाषा, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले है, टेक्निकली ये ओनली प्ले है इन दिस एंटायर संस्कृत लिटरेचर, जहां पे जो आपके बैड में मत मान लीजिए जो आपके वो फिगर्स हो गए, टेक्निकली ऐसे फिगर्स हो गए जो बैड कैरेक्टर्स है मोस्टली मान लीजिए, उनमें ये गुड देखती है। सो दिस बुक स्पेशली शोज यू गुड थिंग्स इन ऑल द पीपल, चाहे वो कोई बैड कैरेक्टर ही क्यों ना हो। चतुर्वर्ग चिंतामणि, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इसका मेजर कंटेंट क्या है, बहुत सारे व्रत जो होते हैं कैसे आप उनको कर सकते हो। दास कुमार चरिता, इट इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बेसिकली आपकी एडवेंचर्स है 10 प्रिंसेस की सीरीज ऑफ टेल्स जो ओरिजिनल संस्कृत में लिखी गई है। एंड उत्तरम चरिता, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये स्पेशली डील करती है आपके लॉर्ड राम की लाइफ से, उनकी लेटर लाइफ, उनका करोनेशन, अभिषेक, सीता का बैंडमेंट, एंड कैसे फाइनल यूनियन होता है। तो ये पूरा इस किताब का कॉन्टेक्स्ट है। तो मूविंग टू एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 13, असर्शन एंड रीजनिंग। तो हमने असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन किया था बिफोर द एग्जामिनेशन एज वेल, फिर से असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस करेंगे। आई थिंक दिस इज वन एरिया जहां पे बहुत इजीली मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। सो असर्शन में ये लिखा है कि जो फाहीन है ये इंडिया आए थे चंद्रगुप्ता द सेकंड के टाइम पीरियड में। रीजन में ये लिखा है कि भाई उन्होंने ये डिस्क्राइब किया कि चंद्रगुप्ता जो सेकंड है ये पाटलिपुत्र जो कैपिटल था उनका, वहां से ये रूल करते थे। सो विच ऑफ द फॉलोइंग असर्शन रीजनिंग स्टेटमेंट्स आर एब्सोल्युटली करेक्ट। सो फाहीन चंद्रगुप्ता जो सेकंड के समय भारत आए थे और उन्होंने चंद्रगुप्ता जो सेकंड को अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से शासन करते हुए वर्णन किया था। सो यू यहाँ पे टेक्निकली जो एरिया है जहां पे मैक्सिमम लोग गलत करेंगे, अपनी राजधानी पाटलिपुत्र, ये हमारा की एरिया है, which you have to get it simply, आपको पढ़ के पता चल जाएगा कि स्टेटमेंट सही है या गलत है। Absolutely, so most of you have already got it. So अगर आप एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आप असर्शन रीजनिंग देखोगे, दे आर वेरी वेरी बेसिक, हम उनको खुद से अपना पास नॉलेज लगा के उनको थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, बट यू हैव टू गो रियली रियली स्मूथ। बिल्कुल बिल्कुल सही है, आई थिंक एवरीबडी हियर इज करेक्ट, करेक्ट आंसर हमारा सी है, ये गलत है, येस इट वॉज उज्जैन, एब्सोल्यूटली एब्सोल्यूटली करेक्ट।
चलिए एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 14, अब नेम ऑफ द किंग एंड टाइटल्स, अगेन वन ऑफ द क्वेश्चन व्हिच इज मोस्टली रिपीटेड इन द पेपर. हर साल आपको किसी ना किसी टाइटल्स, या तो आपके गुप्ता रूलर्स हो गए, आपके मौर्य रूलर्स हो गए, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इसीलिए जब भी आप रीजनल डायनेस्टीज करते हैं, मैंने आपको हमेशा बोला है कि प्लीज मेक श्योर यू नो द टाइटल्स ऑफ सारे रूलर्स. इनफैक्ट बहुत सारे आपके रीजनल डायनेस्टीज के रूलर्स में इंस्क्रिप्शन में उनके अलग अलग टाइटल्स हैं, कॉइन्स में अलग अलग टाइटल्स हैं, सो प्लीज मेक श्योर यू नो ऑल ऑफ देम. तो वी हैव नरसिंहवर्मन. अच्छा, इसमें भी आप एलिमिनेशन कर सकते हो. वैसे अगर आपको इसमें दो तीन भी पता है, विच इज वेरी बेसिक, आप स्ट्रेट अवे आंसर तक पहुंच सकते हो. तो नरसिंहवर्मन द फर्स्ट, वी हैव कुलोटुंगा द फर्स्ट, नंदीवर्मन द थर्ड एंड पुलकेशिन द सेकंड, एंड इनका टाइटल्स क्या है, तो किसको हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसको हमने यहाँ पे वातापी कौंडा बोला, किसको हमने बेसिकली सत्यश्रय बोला, किसको हमने शुभंग वृत्त बोला, एंड किसको हमने बेसिकली तेरारिक बोला. तो विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स एंड द टाइटल्स, आई थिंक नरसिंहवर्मन, नंदीवर्मन, पुलकेशिन, दीज आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर्स जिसके टाइटल्स आपको जनरली भी पता होना चाहिए फॉर द एग्जामिनेशन, एंड आई थिंक एवरीबडी हियर इज करेक्ट. ओके, सो आई थिंक एवरीबडी इज करेक्ट, बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर बी है. सो वी हैव रिति, दीप्यमान, प्रीति, सचिन, रोजीना, मौर्या, संजय, सचिन, रिति, ओके, देन वी हैव संती, गोपाल, सुनेहा, अब्दुल, खतून, कृष्णा, एब्सोल्युटली करेक्ट, निंदिता, मधु, एब्सोल्युटली करेक्ट है. तो वेरी इजी क्वेश्चन. तो प्लीज आप जनरली भी जब आप एग्जामिनेशन के लिए पढ़ेंगे तो थोड़ा इनको याद रखिएगा. इनफैक्ट अगर आपको नरसिंहवर्मन का ही पता था वातापी कोंडा, तो आप जस्ट ए टू है, आप देखोगे ए टू नहीं है, ए टू नहीं है, ए टू नहीं है, ऑटोमेटिकली यू विल कम टू द आंसर, इवन अगर आपको बी सी डी नहीं पता था. सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एवरीवन, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 15. अब ये भी देखो काफी बेसिक सा क्वेश्चन है. इनमें से कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो साउथ इंडियन मर्केंटाइल ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साउथ इंडियन मर्केंटाइल ऑर्गेनाइजेशन? तो ये बेसिकली हम अंजुवर्मन की बात करते हैं, हम मनीग्राम की बात करते हैं, हम बेसिकली एनुवर की बात करते हैं, या हम बेसिकली महाजन्स की बात करते हैं. तो इनमें से कौन सी ऐसी एक आपकी फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इनमें से कौन सी एक दक्षिण भारतीय के समुद्री संगठन से एसोसिएटेड नहीं है? दिस इज ऑल्सो अ वेरी बेसिक क्वेश्चन, क्योंकि देखो इसमें कोड्स नहीं है, 1 एंड 2, 2 एंड 3, 3 एंड 4, द कोड्स आर नॉट गिवन, सो इट्स वेरी इजी फॉर यू टू आइडेंटिफाई, क्योंकि एक ही आंसर करना, और आई थिंक वो हम लोग सबको ही पता है. ओके, सो वी हैव यस, संती गोपाल प्रधान, निदिता, मौर्या, खतून, जिमिन, आयुष, सचिन, अब्दुल, वर्षा, मौसमी, मनोज, प्रीति, इंद्रजीत, कृष्णा, आई थिंक मधुस्मिता, अल्पना, एवरीबडी इज करेक्ट, दीप्यमान इज करेक्ट, संचिता इज करेक्ट, एवरीबडी इज वेरी हैप्पी, बिल्कुल ठीक है. एंड कौन थे एवरीबडी महाजन्स, कौन थे मोस्टली, हु वर महाजन्स? इफ दे वर नॉट साउथ इंडियन मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन, देन हु वर बेसिकली महाजन्स? वेरी इजी, मनी लेंडर्स, एब्सोल्युटली. तो ये हमारा स्ट्रेट अभी खत्म हो गया, क्योंकि यहाँ पे कोड्स नहीं है, तो आपके लिए बहुत ईजी इसको आइडेंटिफाई करना. ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड एवरीबडी, क्वेश्चन नंबर 16. अब जब हम चोलास करते हैं, हम इंपीरियल चोलास करते हैं, हम बेसिकली, मैंने आपको हमेशा बोला है सेनास, पालास, ये सारी चीजें बहुत अच्छा से करिएगा, मोस्टली इनके रिलेशन, इनके ट्रेड रिलेशन, इनका ट्रेड एक्सपेंशन पे काफी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है, टू सी इफ यू हैव आइडिया और नॉट. तो एक ऐसी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है यहाँ पे, देवपाल जो कि पाला फैमिली को बिलोंग करते थे, इन्होंने विलेजेस ग्रांट किए थे बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री के मेंटेनेंस के लिए, बिल्ट बाय बालापुत्र देव, जो आपके चोला रूलर है राजा राज द फर्स्ट, इनका जो आपके श्री विजया किंगडम में इनके साथ बड़ा अच्छा कॉर्डियल रिलेशनशिप था. राजेंद्र द फर्स्ट जो थे, इनके रिलेशन श्री विजया के साथ पहले फ्रेंडली थे, बाद में थोड़े टॉक्सिसिटी रिलेशनशिप में आने लगी, बाद में झगड़ा होने लगा, एनिमी बनने लगे. एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वी हैव मारा विजय तुंगावर्मन, ये इन्होंने एक बुद्धिस्ट मोनास्ट्री बिल्ड की थी नागापट्टनम में. तो इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही है जब हम श्री विजया किंगडम्स की बात करते हैं? और अगर आपको, आपने पालाज एंड चोलास बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, तो स्ट्रेट अवे आप यहाँ से एलिमिनेशन जो है वो कर पाओगे, एंड यू कैन स्ट्रेट अवे कम एंड एलिमिनेट द कोड्स. तो बेसिकली पाल वंश के जो देवपाल हैं, उन्होंने बालपुत्र देव द्वारा निर्मित बौद्ध मठ के निर्वाह के लिए एक गांव दान में दिया. सेकेंडली जो चोल वंश के राजा हैं, बेसिकली राज प्रथम, उन्होंने श्री विजय राज के साथ काफी अच्छे से संबंध, उनके क्वार्टल संबंध थे. एंड देन श्री विजया के साथ टेक्निकली रिमेंबर, जो राजेंद्र प्रथम थे, पहले तो मित्रता वाले इनके संबंध थे, बाद में ये शत्रु बन गए. सो यू हैव टू नो दीज सम थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स. तभी मैंने आपको बोला है, जब आप जनरली पढ़ते हो, स्पेशली जब इंपी, क्योंकि एक बार तो जो हम संगम पॉलिटीज पढ़ते हैं, तो हम चेरास, चोलास, पांड्यास पढ़ते हैं. वेन वी मूव फॉरवर्ड एंड वेन वी डू इंपीरियल चोलास, यूजली आप देखोगे इनके ट्रेड रिलेशन, इनके एक्सपेंशन पे, किस एरिया के लिए लड़ रहे थे, इस पे काफी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं. आपको कई बार आते हैं, कौन से चोला रूलर्स है जिनका चाइना के साथ रिलेशन था, जिनका मालदीव के साथ रिलेशन था, जिन्होंने श्रीलंका पे आक्रमण किया. सो दीज आर वन ऑफ द मोस्ट बेसिक थ्योरेटिकल क्वेश्चंस जो यहां से निकल के आते हैं. प्लस अगर ये दोनों लोग लड़ रहे हैं, सो दे आर फाइटिंग फॉर विच एरिया, दिस इज ऑल्सो वन थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो यहां से स्ट्रेट अवे निकलता है. एंड ऑल ऑफ यू आर राइट टेक्निकली,
करेक्ट आंसर ये है क्योंकि सारा ही सही है। अगर आपको ये दो तो मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट टेक्निकली आप चोलास में हमेशा पढ़ते हो। सो विद टू एंड थ्री ऑल्सो यूल बी स्ट्रेट अवे यू कैन गेट द आंसर। मूविंग फॉरवर्ड क्वेश्चन नंबर 17। अब आ जाइए थोड़ा मॉडर्न इंडिया में। इनमें से कौन सी ऐसी ऑब्जेक्टिव है विच वॉज नॉट द मेन ऑब्जेक्टिव जब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की शुरुआत हुई थी, इनकी फाउंडेशन हुई थी, इनकी स्थापना हुई थी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट डिक्लेयर्ड द ऑब्जेक्टिव फॉर फाउंडिंग द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, प्रोपोगेट द आइडियोलॉजी ऑफ पैन इस्लामिज्म अमंग इंडियन मुस्लिम्स, प्लीड विद ब्रिटिश गवर्नमेंट अबाउट पोलिटिकल इंटरेस्ट एंड राइट्स ऑफ इंडियन मुस्लिम्स, प्रमोट अमंग मुस्लिम्स इंडियन मुस्लिम्स फीलिंग्स ऑफ लॉयल्टी टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट, प्रिवेंट द राइट्स अमंग द इंडियन मुस्लिम्स ऑफ एनी फीलिंग ऑफ हॉस्टैलिटी टुवर्ड्स अदर कम्युनिटीज। तो इनमें से कौन सी एक ऐसी ऑब्जेक्टिव नहीं थी जब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी? बेसिकली इंडियन मुस्लिम्स में जो सर्व इस्लामवाद की विचारधारा है उसको बेसिकली प्रचारित करना था, और बेसिकली राजनीतिक अधिकारों और हितों के लिए ब्रिटिश सरकार के समक्ष पैरवी करनी थी, और बेसिकली इंडियन मुस्लिम्स को ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादारी की भावना के लिए प्रोत्साहित करना इनका बेसिक एम था। सो विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट एन एम जिसके लिए ये लीग जो है ये स्थापना नहीं की गई थी? ओके okay. सो आई थिंक मोस्ट ऑफ यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। देखो ये काफी बेसिक सा क्वेश्चन भी, अगर आप ठीक तरीके से उसको पढ़ोगे तो यू विल ऑटोमेटिकली कम टू नो कि भाई जो आप सबको पता, जब आपने मॉडर्न इंडिया पढ़ा है, वी ऑल नो व्हाई मुस्लिम लीग वाज एस्टैब्लिश। सो एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर हमारा ए है। तो मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से कौन से आपके मेंबर्स हैं जो खिलाफत कमेटी के थे? सो हु अमंग द फॉलोइंग वर मेंबर्स ऑफ खिलाफत कमेटी? शौकत अली, देन वी हैव हकीम अजमल खान, हजरत मुहानी या मुस्तफा नसरुद्दीन। तो खिलाफत कमेटी के इनमें से कौन से इंपॉर्टेंट मेंबर्स हैं? एंड हियर वी गो, शौकत अली, हकीम अजमल खान, देन वी हैव हसरत मुहानी एंड देन वी हैव मुस्तफा नसरुद्दीन। Which again brings me to this question. Everybody, जब भी आप national movement करते हैं तो you have to be little bit careful. आजकल paper में आप देखोगे questions थोड़े आने लगे, especially जब हम स्वदेशी movement करते हैं तो इन स्वदेशी movement आप थोड़ा याद रखिएगा कि बहुत, क्योंकि देखो स्वदेशी movement was also a cultural movement ना। Most of the times आप देखोगे यहाँ पे बहुत सारी basic चीजें आती हैं, बहुत लोगों का contribution होता है। तो कहाँ पे आपकी chemical factories खुल रहे हैं, कौन से लोग playwrights हैं, कौन से लोग drama लिख रहे थे, कौन से लोग poem लिख रहे थे, किसका क्या majorly contribution है in each of every movement? You have to study. And इसी में आप देखोगे जो नॉन कोऑपरेशन पढ़ते हो, कुड इंडिया पढ़ते हो, तो बहुत लोग बहुत सारी पार्टीज जो है ये बनाते हैं। So you have to make sure कि आपको ये सारी चीजें पता हो, क्योंकि आजकल पेपर में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, which is very easy to crack. Simple basic questions, आपको बस आइडिया होना चाहिए। तो हमने एक पर्सनालिटीज की क्लास भी की थी यूट्यूब पे, और जिन्होंने अटेंड किया आपको याद होगा, जो हर समय आते हैं, वी हैड डन दिस होल पर्सनालिटी क्लास। या तो आप उसको देख लो या तो आप खुद से नोट्स बना लीजिए, बिकॉज इस एरियाज को छोड़िएगा मत। ऑल्सो जब हमारे ये सब मूवमेंट्स पे क्वेश्चन आते हैं तो यू विल सी आजकल थ्योरी क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। इनफैक्ट इन 2021 देयर वाज अ थ्योरेटिकल क्वेश्चन। तो आजकल जो मूवमेंट्स हो रहे हैं उस पर थ्योरी क्वेश्चन भी आते हैं, तो थोड़ा क्रिस्टल क्लियर रहेगा कौन सी मूवमेंट क्यों हुई है, व्हाट आर द रीजंस एग्जैक्टली क्या हुआ, एंड किन का कॉन्ट्रीब्यूशन उस मूवमेंट की क्या था। तो ये दोनों तरीके को होलिस्टिकली जो है ये कवर कर लीजिएगा। एंड एज ऑलवेज एवरीबडी इज राइट। तो ज्योति दीप्यमान इज राइट, अल्पना खातून, मनोज, संचिता, रेशमा, पद्मिनी, अनु, अमेरिका, कृष्णा, मधुस्मिता, एब्सोल्युटली सही है। करेक्ट आंसर हमारा सी है। मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 19, हमारे इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं एंड ऑर्गेनाइजेशन है, इसको मैच द फॉलोइंग करना है। सो वी हैव एमसी राजा, वी हैव जगजीवन राम, वी हैव बीआर अंबेडकर एंड महात्मा गांधी जी, एंड देन वी हैव ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास लीग, ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास कांग्रेस, ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास एसोसिएशन एंड ऑल इंडिया हरिजन संघ। तो कौन किससे एसोसिएटेड है? सेम जब आप लीडर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, वन थिंग आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू कि कौन एसोसिएटेड है और कौन फाउंडर है, दोनों में फर्क होता है ना। बहुत सारे लोग फाउंडर्स हो सकते हैं, बहुत सारे लोग एसोसिएटेड हैं बट संस्थापक नहीं है। प्लीज बी केयरफुल कि क्या पूछे। अगर फाउंडर पूछा है तो यू शुड नो कि भाई इसकी स्थापना किसने की। अगर एसोसिएटेड मतलब आप फाउंडर नहीं हो, जैसे आप किसी क्लब्स में जाते हो, आपकी मेंबरशिप है क्लब में, तो आप एसोसिएटेड हो उस क्लब से बट आप फाउंडर नहीं हो। तो ऑलवेज मेक श्योर कि आपको ये दो वर्ड्स क्लियर हो जब भी आप आंसर्स लिख रहे हो, प्लस रीड द ईयर्स, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आपको इयर्स पूछे जाते हैं, कभी आपको यहाँ से क्रोनोलॉजी क्वेश्चंस आ जाएगा। ऑल्सो लेटली जो पेपर का ट्रेंड है, आपको एम्स पे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आने लगा है। सो व्हेनेवर यू स्टडी एनी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन, या प्री कांग्रेस एसोसिएशन पढ़ रहे हो, या जनरली भी कुछ पढ़ रहे हो, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म एसोसिएशन हो गए, थोड़ा उनके मेन एम्स जरूर देख लीजिएगा कि व्हाट आर द एम्स, क्योंकि लेटली अगर आप 2-3 साल पहले का ही पेपर देखोगे तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आए हैं स्पेसिफिकली, एंड यूजुअली वी इग्नोर इट। हमको आपको लगता है कि आता है, बट ये सब क्वेश्चन जब एग्जामिनेशन में आएंगे तो हमें थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि यार इसके एग्जैक्टली आंसर था क्या। सो यू हैव टू बी लिटिल स्मार्ट जब भी आप ये क्वेश्चन कर रहे हैं।
एंड द करेक्ट आंसर हियर इज बी. सो ऑल दोस हु हैव आंसर्ड बी एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली करेक्ट है. तो देखिए इसका आप थोड़ा नोट्स बना लीजिएगा, बिकॉज देयर इज अ टेंडेंसी कि आपको इस एग्जामिनेशन में इनमें से कोई एक एसोसिएशन का नाम आ जाए. तो इफ यू नो द आंसर इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी इजी फॉर यू. एंड आपको पता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किसी ना किसी फॉर्म में कभी ना कभी रिपीट भी होते हैं. विच अमंग द फॉलोइंग एक्ट वॉज डिस्क्राइब्ड एज न्यू चार्टर ऑफ बॉन्डेज बाय जवाहरलाल नेहरू. तो इनमें से कौन सी ऐसी एक्ट है जिसको जवाहरलाल नेहरू ने गुलामी का नया चार्टर जो है ये बताया था. सो हम बात कर रहे हैं इंडियन क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1913 में जो आई थी, हम बात कर रहे हैं रॉलट एक्ट की जो 1919 में आई थी, हम बात करें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में, या हम बात करें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. तो इनमें से कौन से एक्ट है जिसको टेक्निकली जवाहरलाल जी नेहरू जी ने बोला है कि भाई ये एक न्यू चार्टर ऑफ बॉन्डेज है, गुलामी का एक नया चार्टर है. Which of the following here is correct, everybody? And here we go. So we have last five questions. So थोड़ा कुछ modern के questions देख लेते हैं. And कल हमारी last class होगी जहाँ पे हम ये 2017 का जो paper है ये wind up कर देंगे. So at least इसी में मजे मजे में आपने सबके साथ 2017 का जो paper है वो खत्म कर लिया. Okay? We already did 2014 papers to make sure कि आपको आइडिया लग जाए कि भाई कौन से एरियाज है जहां पे हमें थोड़ा फोकस करना है. एंड मोस्ट ऑफ यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट. सो मधु, आयुष, रेशमा, रोजिना, कृष्णा, मौसमी, अमिरखा, वर्षा, संजय, अब्दुल, अल्पना, संचिता, संती गोपाल, आयुष, निदिता, प्रधान, सुनेहा, आरती, शिवानी, एवरीबडी इज करेक्ट. करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे डी है. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली करेक्ट. जवाहरलाल नेहरू ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 को डिस्क्राइब किया था एज अ न्यू चार्टर ऑफ बॉन्डेज. एंड मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 21. तो पांच और क्वेश्चन है. Who among the following condemned the Ottawa Trade Agreement of 1932 by saying it has killed Raj interest of India? तो इनमें से किसने 1932 में जो ओटावा व्यापार समझौता हुआ था इसको कहकर ये निंदा की थी कि भाई इससे भारत के जो अधिक विस्तृत हितों की टेक्निकली हत्या हो गई है. सो हु हैज सेड दिस? इसको जी डी बिरला ने बोला था, इसको जे डी टाटा जी ने बोला था, इसको जवाहरलाल नेहरू ने बोला था, या इसको जे बी कृपलानी ने बोला था? So who among the following condemned this Ottawa Trade Agreement 1932 का ये बोल के कि इंडिया की जो मच लार्जर इंटरेस्ट है, जो अधिक लोगों के हित की टेक्निकली इसमें हत्या हो गई है. So who have said it? Okay, I think most of you are right. I think in 25 questions till now, I think हमने 21 किया. I think सबके 20 तो straight away सही है आज के sessions में, which we have seen. Absolutely correct answer हमारे जवाहरलाल नेहरू हैं. तो I think most of you have answered it right. So वर्षा, मनोज, रोजिना, प्रीति, कृष्णा, अनु, मौसमी, संजय, अल्पना, अनामिका, संती गोपाल, अमिरखा, प्रधान, निदिता, मौसमी, यस, मनोज, एब्सोल्युटली करेक्ट. आयुष, अब्दुल, बिल्कुल बिल्कुल सही है. सो एब्सोल्युटली यस. दीप्यमान, आरती, पद्मिनी, वेरी गुड. ओके, रेशमा, बिल्कुल सही है. सो बेसिकली ओटावा अग्रीमेंट जो है यहाँ पे देवर बेसिकली 12 बायलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट्स, ठीक है, जहाँ पे म्यूचुअल टैरिफ कंसेशन के लिए और कुछ अदर कमिटमेंट्स की बात हुई थी. 20 जुलाई से 20 अगस्त 1932 को हुआ था ओटावा में, ब्रिटेन, कैनेडा एंड बाकी आपकी जो कॉमनवेल्थ टेरिटरीज थे उन्होंने भाग लिया था. तो जवाहरलाल नेहरू ने इसी ट्रेड अग्रीमेंट्स को कंडेम किया था और बोला था कि इंडिया की जो मच लार्जर इंटरेस्ट है टेक्निकली इट हैज किल्ड. मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 22, एवरीबॉडी, इनमें से लिबरल पार्टी को कौन बिलोंग नहीं करते हैं? अगेन काफी बेसिक सा क्वेश्चन है. सो बेसिकली वी हैव दिनशा पेटिक, अली इमरान इमान, देन वी हैव बेसिकली पुरुषोत्तम ठाकुर, देन हम बात कर रहे हैं एस एम परांजीव की, एंड हम बात कर रहे हैं वी एस श्रीनिवास शास्त्री. तो इनमें से कौन से आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिबरल पार्टी के सदस्य नहीं है? एज आई टोल्ड यू, जब आप आगे करोगे, इनफैक्ट हम सेशंस भी करेंगे अभी एग्जामिनेशन के पहले, वे वांट टू डू फ्रेश सेशंस जहां पे हम ऐसी कुछ इंपॉर्टेंट पार्टीज जो स्पेशली बने हैं, कौन लोग एसोसिएटेड है, कौन लोग फाउंडर है, एम्स क्या, यू शुड बी वेरी वेरी क्रिस्टल क्लियर. क्योंकि 2017 में भी इस टाइप के क्वेश्चंस, एंड जनरली भी अगर आप पेपर देखोगे तो ऐसे क्वेश्चंस काफी कॉमन है. ऊपर से जब सोशलिज्म का ट्रेंड चल रहा था नेशनल मूवमेंट में, तो उस टाइम पे भी आपकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो एक्टिविटीज हुए थे बोल्शेविक रेवोल्यूशन, आपको ये सब थोड़ा देखना है. जो बोल्शेविक रेवोल्यूशन का जो इन्फ्लुएंस हुआ था इस टाइम पीरियड में, व्हाट वर द इंपॉर्टेंट पार्टीज, क्या उस समय नए नए कॉन्स्पिरसीज आए थे, दीज आर वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एरियाज फ्रॉम वेयर क्वेश्चंस आर ऑलवेज आस्क्ड. ओके, सो करेक्ट आंसर हमारा सी है. एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ यू आर एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली करेक्ट हियर. सो मूविंग फॉरवर्ड, तो प्लीज याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है ये. फाइनली मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 23, तो दो और क्वेश्चन है हमारे पास. ये एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, तो आपको इसके लिए लर्न नहीं करना है. यू जनरली हैव टू नो एन एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस कि इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी नेसेसरी कंडीशन फॉर बीइंग अ टेक्निकली अ नेशन स्टेट. तो राष्ट्र राज होने के लिए इनमें से कौन सी ऐसी एक शर्त है, एक नेसेसिटी कंडीशन है जो अनिवार्य नहीं है, जो नेसेसरी नहीं है. अ स्टेट ऑर्गेनाइज्ड फॉर द गवर्नमेंट ऑफ अ नेशन और क्लोजली रिलेटेड नेशन, अ स्टेट हुज टेरिटरी इज डिटरमाइंड बाय नेशनल बाउंड्री, अ स्टेट हुज लॉ इज डिटरमाइंड बाय नेशनल कस्टम्स, A nation is the expression of the state. तो इनमें से कौन सी एक कंडीशन नहीं है नेशन स्टेट के लिए? वैसे अगर मैं आपको एक बात बताऊं, तो अगर आप इसको ठीक से रीड ही करोगे ना, ऑटोमेटिकली आपको आंसर पता लग जाएगी.
इवन इफ यू रीड इट प्रॉपरली, अगर आप ठीक से इसको रीड कर लेते हो तो आपको ज्यादा इसमें दिमाग लगाने का भी जरूरत नहीं। ये आपको बोल रही कि भाई एक नेशन स्टेट के लिए, एक राष्ट्र राज के लिए, एक कौन सी ऐसी कंडीशन है, शर्त है जो अनिवार्य नहीं है। एंड एब्सोल्युटली करेक्ट, करेक्ट आंसर डी है। अ नेशन इज द एक्सप्रेशन ऑफ द स्टेट। टेक्निकली ये आपको ये बता रहे हैं कि भाई एक राष्ट्र जो है वो राज्य की अभिव्यक्ति होते हैं। सो दिस इज टेक्निकली नॉट अ कंडीशन, रादर इट इज एक्सप्लेनिंग यू। ये एक डेफिनेशन है, ये एक टर्मिनोलॉजी को एक्सप्लेन कर रहे हैं। एब्सोल्युटली करेक्ट। तो ये कंडीशंस की टेक्निकली बात करी नहीं रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 एवरीबॉडी, यूजुअली पेपर वन के लिए आप ये क्वेश्चंस पढ़ते हैं कि इनमें से कौन से आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो स्पेशली आपको गारंटी करते हैं कि भाई जो मेन एंड वुमेन है इनकी इक्वालिटी, तो जो पुरुष एवं स्त्री है इसको प्रॉपर पूर्ण समानता की गारंटी कौन से दो आर्टिकल्स है जो देते हैं। सो दिस इज इंपॉर्टेंट पेपर वन क्वेश्चन ऑल्सो, क्योंकि आपको ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन में ये सब क्वेश्चन आपको आ जाते हैं। सो आर्टिकल नंबर्स आपको आ जाएंगे, दे विल आस्क यू कि व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज The मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट्स, जो सबको मिलते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट राइट्स हैं जो सिटीजन को मिलते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट राइट्स हैं जो फॉरिनर्स को मिलते हैं। सो कुछ आपको इंपॉर्टेंट आर्टिकल नंबर्स याद रखने होते हैं। आर्टिकल 12, 13, आर्टिकल 14, 15, 18, 19, 49, 50, जिसका गलत हो रहा है जनरली आप दिमाग में रखिएगा यहाँ पे। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा भी है आर्टिकल नंबर 14 एंड 15 हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। दे टेक्निकली इरेडिकेट डिस्क्रिमिनेशन एंड टेक्निकली इक्वालिटी की बात करते हैं। So finally everyone, the last question for the session, question number 25. अब आ जाइए एक पैराग्राफिकल क्वेश्चन में जहां पे हम किसी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी के बारे में बात कर रहे हैं। तो इनमें से कौन सी ऐसी पर्सनालिटी है जो कि पॉलिटिक्स में बहुत ही बड़े इनोवेटर थे। वो टेक्निकली ही वॉज वेरी वेरी बींग फुली एंड कॉन्शियसली सेक्युलर। ही अंडरस्टूड मोर क्लियरली द डेंजर्स दैट कम्युनलिज्म पोजेस्ड टू द नेशन। ही ऑफन टोल्ड दैट कम्युनलिज्म वाज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट, अ बिग एनिमी ऑफ एज कलोनियलिज्म। तो हम किस इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी की बात करें जिन्होंने हमेशा ये बोला कि कम्युनलिज्म जो संप्राय दिखता है वो उतना ही बड़ा शत्रु हमारा है जितना हमारे कलोनियलिज्म ब्रिटिशर्स हैं। ऑल्सो एट द सेम टाइम ही सेड ही वॉज फुल्ली अवेयर कि भाई कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कम्युनलिज्म अगर आता है तो वो हमारे नेशन को काफी ज्यादा थ्रेट जो है, हम संप्रादिकता से नेशन को काफी ज्यादा खतरा है, काफी ज्यादा थ्रेट है। सो हु इज दिस पर्सन हु वी आर टॉकिंग अबाउट। तो हम चंद्रशेखर आजाद की बात कर रहे हैं, हम भगवती चरण बोरा की बात कर रहे हैं, यशपाल की बात कर रहे हैं, या हम भगत सिंह की बात कर रहे हैं। तो इनमें से कौन थे जो बहुत ही बड़े इनोवेटर थे इन पॉलिटिक्स। नंबर टू, ही वॉज वेरी वेरी सेक्युलर एंड ही रियलाइज कि भाई कम्युनलिज्म का हमारे नेशन, टेक्निकली नेशन के लिए इट्स वेरी वेरी डेंजरस, काफी खतरा है सांप्रदायिकता हमारे नेशन के लिए। एट द सेम टाइम ही सेड कम्युनलिज्म उतनी ही बड़ी हमारी शत्रु है जितनी बड़ी हमारी कलोनियलिज्म है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर वी टॉकिंग अबाउट एंड आई थिंक एवरीबॉडी हियर इज करेक्ट। सो सुनेहा, रीति, अल्पना, रेशमा, वर्षा, अनु, अब्दुल, सचिन, कृष्णा, अनामिका, संचिता, आयुष, दीप्यमान, प्रधान, प्रीति, मनोज, मौसमी, अमिरखा, रश्मि, यस, अंति गोपाल, संजय, जिमिन, पद्मिनी, रेशमा, I think everybody is correct. Yes, Madhu, Madhusmita, Prerna, Sachin, you are absolutely, absolutely correct. Correct answer here is D, Bhagat Singh. So I think most of you have answered this correct. So I think everybody out of 25 questions, we have everybody who's answered almost everything correctly. So ye hamara third session ho gaya jahan pe 2017 ke questions kar rahe the. और इसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली हम करेंगे हमारा फोर्थ सेशन जहां पे हम ये वाइंड अप कर देंगे। और फिर इसके बाद वाली वीक हम आपके लिए थोड़ा मैराथन क्वेश्चंस लेके आएंगे जहां पे वी विल ट्राई टू कवर लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन वेरी वेरी लेस टाइम। तो थोड़ा वो जोश, वो विगर जो कि सेशन में हमें चाहिए वो हम लेके आएंगे। सो कल 2017 के क्वेश्चन को वाइंड अप करेंगे, फिर मैराथन क्वेश्चंस करेंगे आपके लिए स्पेशली स्पेशली यूट्यूब पे लेके आएंगे हम, जहां पे आपको सिलेबस रिविजन करके आना है एंड बैक टू बैक वी विल बी सॉल्विंग क्वेश्चंस। तो अब वो जोश वापस लेके आना पड़ेगा जो जोश आप सब में थी बिफोर वी स्टार्टेड द एग्जामिनेशन प्रिपरेशन, एंड एग्जामिनेशन के एक महीने पहले वो एवरीबॉडी ऑफ यू वर ऑन योर टोस, है ना। तो ऐसे ही मैराथन सेशंस आपके लिए बहुत सारे आने वाले हैं, तो प्लीज स्टे ट्यून, डू नॉट मिस द सेशन। 3 बजे हमारा सेशन होता है हर दिन, सो प्लीज डू नॉट फॉरगेट इट। एट द सेम टाइम 11 बजे हमारे ऐप सेशंस होते हैं, सो प्लीज मेक श्योर यू डू नॉट फॉरगेट इट। और कल ऐप सेशन में हम मिलेंगे सुबह के 9 बजे, जहां पे हम स्पेशली करेंगे गुप्ता पीरियड एंड महाजनपद के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सुबह के 9 बजे, सो डू नॉट फॉरगेट इट। और आज के सेशन में इतना ही, एंड एवरीबॉडी प्लीज मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल। तो जिन्होंने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो बहुत सारे हिस्ट्री के सेशंस प्लस पेपर वन के सेशंस मिस कर देंगे, प्लस देयर आर लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट सेशंस एज वेल जो आपको जनरली पता होने चाहिए जो साइमल्टेनियसली चल रहे हैं। सो प्लीज मेक श्योर यूटिलाइज एवरीथिंग व्हिच इज एज पर योर डिस्पोजल। और कल आखिरी सेशन के बाद 2017 को वाइंड अप कर देंगे। ओके, सो विजय 25 एंड 25, वेरी गुड। देन वी हैव रेशमा 19, ओके, सचिन 25, कृष्णा 25, yes Suneha, that's the next, 2021 is the next which we are going to discuss, Mosmi 21, very good, I think everybody has nailed it, so very good। to dekhi 2017 ka paper hai, kafi recent sa paper bhi hai, so most of you have really got good। to kal iska last part hai, usko khatam karenge and then we will wind up and then we'll go to marathon questions as well as the recent questions। so thank you so much, see you in the next class everybody, please take care of yourself
एंड पढ़ना शुरू करिए, जो भी चीजें आप भूल रहे हैं रिविजन करिए, क्योंकि सारे लोग भूलते हैं क्योंकि सिलेबस बड़ा है। एक ही सोल्यूशन है रिविजन। दो तीन टर्म्स अगर आपको याद नहीं हो रहे तो आप उसको लिखिए, टेक अ पेपर टेक अ पेन। इफ देर आर सर्टेन टर्म्स जो आपको लगता है बार बार भूल रहे हो तो जस्ट राइट इट वंस एंड ट्वाइस। जैसे ही आप उसको दो तीन चार बार लिखोगे ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में वो सेट हो जाएगा। इफ देर आर सम टर्म्स समथिंग विच यू थिंक आप बार बार भूल रहे हो प्लीज उसको जॉट डाउन करिए। पूरी लाइंस नहीं लिख रही सीधा सीधा, बस उस टर्म्स को दो बार तीन बार लिखिए, उसको ब्रेक कर दीजिए लर्न करते समय। ट्राई टू यूज सम ऑफ दीज टेक्निक्स। देखो भाई एंशियंट इंडिया में हमारे पास फैक्ट्स हैं बट एट द सेम टाइम वी कैन नॉट मिस दीज फैक्ट्स क्योंकि एग्जामिनेशन में आते हैं। तो थोड़ा हमें अपना अप्रोच चेंज करना पड़ेगा। आप लिखिए जो टर्म्स आपको याद नहीं हो रहे उसको ब्रेक कर दीजिए, दो बार तीन बार चार बार उसको पढ़िए, ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा। एंड जब आप पहली बार कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो आपको टाइम लगेगा एंड इट्स एब्सोल्युटली फाइन। यू प्लीज गिव टाइम, यू डोंट कंपेयर कि आपके फ्रेंड को उस टॉपिक में 2 घंटा लगा बट आपको 6 घंटा लग रहा है। दैट्स एब्सोल्युटली फाइन, इट डिफर्स फ्रॉम पीपल टू पीपल। तो डोंट कंपेयर। अगर आपको 6 घंटे लग रहे हैं, एक गोल्डन रूल बस ये अप्लाई करनी है कि जो भी आप पिकअप कर रहे हो पढ़ने के लिए यू शुड नो कि भाई आफ्टर मे बी गिविंग अ डे और टू ये टॉपिक मेरा अच्छे से हो गया। ये नहीं कि आपने किसी टॉपिक को 2 दिन दिया फिर आपने किसी दूसरे टॉपिक को पकड़ लिया, ये टॉपिक भी नहीं हुआ वो टॉपिक भी नहीं हुआ, फिर क्या होगा कि आप चीजें बस अपने पे बर्डन बढ़ा रहे हो, पाइल अप कर रहे हो। वेन एवर यू पिक एनीथिंग अप, अगर आपको 4 घंटे एक्स्ट्रा लग रहा है, अगर आपको एक दिन भी एक्स्ट्रा लग रहा है, डू दैट। एटलीस्ट इससे ये होगा कि आपका एक टॉपिक जो है वो खत्म हो जाएगा। ओनली वेन यू फिनिश वन टॉपिक प्रॉपरली यू मूव टू द नेक्स्ट। ठीक है, इससे क्या होगा कि जैसे जैसे आप टॉपिक्स खत्म करोगे आपकी कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाएगी। और अगर आप हाफ 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 सब करोगे तो डीप डाउन आपको पता होगा कि भाई मेरे टॉपिक्स ठीक तरह से कंप्लीट नहीं है, तो ऑटोमेटिकली एंग्जाइटी आ जाएगी, ऑटोमेटिकली आप पैनिक करने लगोगे, ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस लेवल सुपर डाउन हो जाएगा। सो पिक अप एनीथिंग फिनिश इट, द मोमेंट यू स्टार्ट फिनिशिंग थिंग्स यू विल स्टार्ट गेटिंग द कॉन्फिडेंस। वो नर्वसनेस फियर जो है ना वो धीरे धीरे हटने लगेगा। तो प्लीज ये सब करिए, कोशिश करिए, रिविजन करिए, बैक टू बैक रिविजन करिए। बाय द टाइम आप थर्ड रिविजन करोगे आपको चीजें याद हो जाएंगी, तो डोंट वरी अबाउट दैट। इनफैक्ट थर्ड फोर्थ रिविजन में टाइम भी नहीं लगेगा। पहली बार जब पढ़ रहे हैं तो सेकंड रिविजन में टाइम लगेगा क्योंकि मे बी आप कुछ चीजें भूल गए होगे। बाय द टाइम यू रीच द फोर्थ रिविजन टाइम भी कम लगेगा एंड आप आराम से लर्न भी कर लोगे। सो डोंट वरी। ओके, सो थैंक यू सो मच। आई एम गोइंग टू सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय, कल मिलेंगे 3 बजे, तो फटाफट से ज्वाइन इन कर लीजिएगा।